हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल्फ डिवीजन। इससे पहले हम चार टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ डिवीजन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो मैं मानते चलती हूँ कि आप लोग को इसका ब्रीफ नॉलेज होगी 11th 12th में, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हर एक डिटेल पॉइंट बताऊँ। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? हर एक सेल अपनी लाइफ में डिवाइड करती है इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करती है दैट इज़ नोन एज सेल डिवीजन। एवरी सेल हैज़ लिमिटेड लाइफ स्पैन, हर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, उतने तक ही वो रहती है, उसके बाद तो उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ होने से पहले वो दो में डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड इनटू गैमेट्स विथ हाफ डीएनए कंटेंट। ह्यूमंस के केस में हम किस में डिवाइड होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो सेल गैमेट्स के फॉर्म में डिवाइड होती है, जिसमें हमारी बॉडी का हाफ डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल डिवीजन इज केयरफुली रेगुलेटेड टू अलाउ इफेक्टिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज में क्या होता है, अगर हमारी सेल डेथ होती रहे और न्यू सेल नहीं बनी तो ट्यूमर हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बहुत ही केयरफुली ये प्रोसेस रेगुलेट होता है फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। जब चोट लगती है तभी क्या होता है, हमारी एक टिश्यू की डेथ होती है, एक सेल की डेथ होती है, उसके बाद एक और लेयर आ जाती है। मैंने स्किन में बताया आपको, जब फर्स्ट लेयर की एपिथीलियम की स्टाइल फर्स्ट लेयर की डेथ हो जाती है, उस सेल्स की डेथ होने लगती है, तो नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाती है, बल्क आउट होती है। वैसे यहाँ पर रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज के लिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स अंडरगो सेल साइकिल, सारी सेल्स सेल साइकिल का फिनोमेना अपनी लाइफ स्पैन में करती ही हैं। क्या स्टेजेस हैं इसमें? G1 फेस, S फेस, G2 फेस एंड M फेस। M फेज में माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। आज मैं सिर्फ G1, S, G2 की बात करूँगी। ठीक है, तो सेल G1 में आएगी, उसके बाद S में, फिर G2 में और फिर M में। M के बाद फिर इंडिविजुअल सेल फिर से G1 में जाएगी, S में जाएगी, G2 में जाएगी, M में जाएगी। ठीक, G1 फेस, इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज 1, मतलब कि जो जी है वो किस फेस के लिए स्टैंड होता है, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ फेज 1, इसमें क्या होता है, जो न्यू सेल्स होती हैं वो अपना साइज को और अपने कंटेंट को बढ़ाती हैं। अगर सेल का कंटेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली साइज भी बढ़ जाएगा सेल का। तो ग्रोथ फेज में सिर्फ हमारा कंटेंट इंक्रीज होता है जिससे सेल का भी साइज बढ़ जाता है, सिर्फ G1 फेज में इतना ही होता है। फिर आता है S फेज, S स्टैंड करता है सिंथेटिक फेज के लिए। इसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, ऊपर सेल का कंटेंट बढ़ रहा था, इसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है। अगर 2n अमाउंट ऑफ DNA है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4n में। ठीक, अब आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, फर्दर ग्रोथ अकर्स आफ्टर S फेज। अब S फेज के बाद फिर से ग्रोथ होगी, इसमें क्या होंगे, बाकी कंटेंट्स जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स का अमाउंट बढ़ेगा, माइक्रोफिलामेंट्स बढ़ेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म को हटा के गॉल्जी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब का भी कंटेंट बढ़ेगा। अब ये हो क्यों रहा है, अगर सेल हमारी डिवाइड करेगी तो ऐसा तो है नहीं ना अपने आप को पूरा ही ख़त्म कर देगी। सब को दोनों सेल्स को अगर वो दो में डिवाइड करिए तो दोनों सेल्स में अमाउंट आना चाहिए स्पेसिफिक, इसलिए हमारी सेल डिवाइड करती है जिससे हर डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉटर सेल दैट विल बी प्रोड्यूस, इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमारा सेल कंटेंट पहले बढ़ेगा ग्रोथ फेज 1 में, फिर सिंथेटिक फेज में क्या होगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा जिससे एक एक इंडिविजुअल सेल में पहुंच जाए, फिर G2 फेज में हमारा सेल ऑर्गेनल्स का अमाउंट बढ़ेगा और जिससे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाए। अब M फेज से माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी होता है। माइटोसिस में क्या होता है, हमारी जब सेल सिर्फ दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, माइटोसिस में सिर्फ दो में डिवाइड होती है और मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, सेल अंडरगो डिवीजन व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन साइज, जब सेल का एक स्पेसिफिक साइज बन जाता है उसके बाद ही वो M फेज में आती है, उससे पहले नहीं आती है। बिकॉज न्यूक्लियस कैन नॉट मेंटेन वर्किंग ऑफ सेल मशीनरी, न्यूक्लियस हमेशा सेल के प्रॉपर वर्किंग में काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे डिवाइड करना पड़ेगा जो कि माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। माइटोसिस में ध्यान रखिएगा सिर्फ दो डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है।
मियोसिस को रिडक्शनल डिविजन भी कहते हैं, माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिविजन, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन सम सेल अंडरगो डिविजन इन सच अ वे सो दैट कंटेंट ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल गेट रिड्यूस टू हाफ, जो हमारा न्यूक्लियर मटीरियल है वो भी हाफ में हो जाता है। मतलब अगर दो डॉटर सेल में क्या हो रहा था, दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट मिल रहा था, पर इसमें जो दो को मिला था उसका भी हाफ मिलता है डॉटर सेल्स को, ठीक है। तो इसमें हमारा रिडक्शनल डिविजन है क्योंकि न्यूक्लियर मटीरियल क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है हाफ में। मतलब अगर पहले सबको कितना मिल रहा था माइटोसिस के केस में, एक मिनट, माइटोसिस के केस में क्या हो रहा था, एक पेरेंट से कितने डॉटर सेल्स बन रहे थे, दो, मतलब एक ये एक ये, ठीक है। अब दोनों में एक एक डीएनए सेगमेंट आ जा रहा था, पर मियोसिस के केस में क्या होता है, एक पेरेंट चार डॉटर सेल्स को डेवलप करता है, जिसके वजह से जहां पहले एक माइटोसिस में एक एक डीएनए सेगमेंट, एक एक जो कि न्यूक्लियर मटेरियल एक एक जा रहा था, उसके जगह क्या हुआ, एक का भी हाफ जाएगा ना, जो कि है 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2, मतलब सबको हाफ मिलेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिविजन। वही माइटोसिस में क्योंकि सेम अमाउंट जा रहा है, जितना पेरेंट में उतना ही डॉटर्स में जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको इक्वेशनल डिविजन। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, एक पार्ट में माइटोसिस और एक पार्ट में मियोसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर कोई भी और डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। बाकी माइटोसिस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं एक क्विक रिविजन के लिए, एक प्रो के टाइम पे। बाकी माइटोसिस डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड पढ़ते रहिए।